हमारी बाइक इंडिकेटर फ्लैशर की फिटिंग है। फ्लैशर ऑटो पावर, इसमें चार वायरिंग होती है, दो येलो, रेड एंड ब्लैक। उसी तरह इंडिकेटर रेड और ब्लैक वायर होती है। और ये हमारा फ्लैशर स्विच होता है, डबल स्विच, इसमें तीन वायरिंग होती है, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक। और हमारी फिटिंग इसकी इस तरीके से होती है, थोड़ी जो इंडिकेटर की ब्लैक है दोनों एक साथ जॉइन कर देंगे, और फ्लैशर की ब्लैक दोनों इंडिकेटर की ब्लैक के साथ और जो इंडिकेटर की रेड वायर है वो फ्लैशर की एक येलो के साथ और दूसरी इंडिकेटर की रेड दूसरे येलो के साथ फ्लैशर। और अब आते हैं स्विच पर। स्विच में आपको बताया तीन वायर है, जो ग्रीन वायर है वो दोनों इंडिकेटर की ब्लैक और फ्लैशर की ब्लैक के साथ, जो रेड वायर है स्विच की वो फ्लैशर के रेड वायर के साथ। जो ब्लैक वायर है स्विच की, ब्लैक वायर स्विच की जो हमारी दो बैटरी वायर होती है, एक ब्लैक एंड रेड, जो ब्लैक वायर स्विच की होती है हमारी वो बैटरी के रेड के साथ जाएगी स्विच की। बैटरी की ब्लैक वायर स्विच की ग्रीन, इंडिकेटर की ब्लैक और फ्लैशर की ब्लैक के साथ। ये हमारी कंप्लीट वायरिंग है फ्लैशर बाइक इंडिकेटर के स्विच के साथ। और जो हमारा स्विच होता है, आपको होता है टू बटन स्विच। अगर मोड चेंज करने हैं तो ऊपर दिए गए बटन को पुश करेंगे इस तरीके से, तरीके से मोड चेंज होंगे ऊपर का बटन पुश करने से। और इंडिकेटर को ऑफ करना हो तो ऑन और ऑफ का बटन है, तो ऑफ करने के लिए ऑफ, इंडिकेटर बंद हो जाएगा, ऑन करने के लिए ऑन कर देंगे तो इंडिकेटर फिर से चालू हो जाएगा, और मोड चेंज करने के लिए ऊपर से पुश करना पड़ेगा। ये हमारे बाइक इंडिकेटर फ्लैशर की फिटिंग है।